अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप सब खैरियत से हैं। सब मुझे बताइएगा आप सब कैसे हैं। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड होने जा रही है, कुछ मसरूफियत की वजह से टाइम ही नहीं मिला। तो चले मैंने कहा आज हम मेरी किचन में बनने लगे हैं जी चिकन कढ़ाई। ये भी स्पेशल कुछ है कि मेरे भाई आ रहे हैं माशाल्लाह, तो मैंने कहा चलो मैं उसके लिए, उसने ही मुझे स्पेशल बोला कि मेरे लिए चिकन कढ़ाई बनाएं, तो मैंने कहा चले अब आज उसके लिए कि चिकन कढ़ाई बनाते हैं हमारे किचन में। और आप सब कमेंट्स में बताइएगा आप सब कैसे हैं, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है चिकन, दही, टमाटर मैंने इनको पीस लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी, नमक, हल्दी, सूखा धनिया और इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें और थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त मसाला डाला है। तो झटपट से बन जाती है ये। और इसमें प्याज अपनी डालेंगे, अदरक और हरा धनिया, हरी मिर्चें, वो गार्निश के लिए बाद में हम ऐड। तो सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में डालते हैं ऑयल। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे कि चिकन अच्छे से जो है ना फ्राई हो जाए और इसमें लाइट से ब्राउन कलर आ जाएगा। और अदरक लहसुन में हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उससे ज़्यादा अच्छा पानी उसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर लिया जाए ना तो कि चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है, उसका बहुत अच्छा जूसी सा टेस्ट आता है। अच्छे से गर्म हो गया, हम इसमें डालते हैं चिकन और चिकन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। और माशाल्लाह से इसमें कलर अच्छा सा आ गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया जिसकी वजह से चिकन अच्छा होगा, टेंडर भी हो जाएगा और अदरक लहसुन इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएगा। पानी की वजह से रहेगी, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप लोग भी ज़रूर सब ट्राई करिएगा। और माशाल्लाह से देखें चिकन अच्छे से लहसुन अदरक के साथ फ्राई हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने टमाटर। टमाटर ये फ्रीज हो गए थे तो मैंने इनका पेस्ट बना के रख दिया। अच्छे अब इसको हम तेज़ आंच पे अच्छे से भून लेंगे। टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने दही में सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी, थोड़ा सा दही नहीं है, मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दी। इसको हिला लेंगे। मसाला डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे और फ्लेम मैंने तेज़ ही रखी है। अब हम इसको थोड़ी देर कवर करके रख देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है और पानी का सारा अच्छे से ड्राई हो गया, ऑयल भी सारा ऊपर आ गया। अब इसको तेज़ आंच में फिर अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेते हैं। और यहाँ पर मैंने धनिया और अदरक और हरी मिर्च काट के रख लिए ये गार्निश के लिए। माशाल्लाह देखिए इसकी फाइनल लुक। और अब हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और ये अदरक सारा गार्निश कर लेंगे। सब भी बताइएगा आप सब लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी और प्लीज़ मेरी रेसिपी को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और जो नए देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।